दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या आप कभी सोचते हैं कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? दोस्तों, आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूं आप इसे पूरा सुनेंगे। हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता ही नहीं रहती। वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन बदन बढ़ती जाती हैं, और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है, और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है, और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। हम अपना पूरा जीवन कामयाब होने में अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता देते हैं, और हम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूं और उसके बाद सत्य की खोज करूंगा, उसके बाद ध्यान करूंगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है, और इस प्रकार जीवन का चक्र चलता रहता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नौजवान युवक एक संत महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि हे संत महात्मा, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतनी दुख है, तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है, क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे कि इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर महात्मा कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे दुख, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर वह युवक कहता है कि महात्मा जी, यह दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? ये सुनकर महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वो युवक कहता है कि हाँ गुरुदेव, मैं अपने दुखों को भली भांति देख कर रहा हूँ। तब महात्मा ने पूछा कि दुखों का मूल क्या है? महात्मा और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक शिष्य दौड़कर वहां पर आता है। वह शिष्य उन महात्मा के कान में कुछ कहता है। इसके बाद वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ, वहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है, इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक महात्मा के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद महात्मा एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और वह महात्मा देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। महात्मा को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाया और महात्मा उस आदमी के पास वहीं उसके चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही खड़ा रहता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहता है कि है मुनिवर, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची हैं, पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि हे मुनिवर, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे, ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आजादी थी उस समय, मेरा मन कितना खुला हुआ था, मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो, आखिर आगे चलकर क्या करोगे। ये सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे।
और उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। फिर मैं रात दिन मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल है, बहुत निराशा हाथ लगी, में असफल भी हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फिर एक दिन मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग कल मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे दो बेटे प्राप्त हुए, दोनों बहुत ही सुंदर और हर्ष थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी का देहांत हो गया, वह मुझे छोड़कर चल गई। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत दे देते कि पिताजी माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे, आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। वह इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। इसके बाद मैंने कहा कि हे महात्मा, जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, यह कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि मुनिवर ऐसी ध्यान की प्रणालियों बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानी को दूर कर देता हूं, उसके बाद ध्यान में मैं अपना पूरा मन लगाऊंगा, और यही सोच सोच कर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त भी हाथ से निकल चुका था इसी तरह, और आखिर में उम्र ढलने के बाद में बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही, मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया, मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन अब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस आदमी ने महात्मा से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूं यह मैं जानता हूं, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर महात्मा ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं, क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता ही नहीं रहती, वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती, जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं उसकी कामनाएं दिन बदन बढ़ती जाती हैं, और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है, और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाब होने, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया, और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूं और उसके बाद सत्य की खोज करूंगा, उसके बाद ध्यान करूंगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इस प्रकार जीवन का चक्र चलता रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी सोखत पर आई हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते, मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी आ सकती है। अगर यह बात उस वक्त तुम समझ लेते तो तुम उसी वक्त ध्यान
और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर महात्मा से कहा कि हे मुनिवर, यह तो मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं। मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है, लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूं कि क्या मैं भी परिपूर्ण था कि साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती? यह सुनकर महात्मा ने उस आदमी का सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है, और वह सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया, वह सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है, और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थक का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया है, और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव, इस बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली हाथ आए थे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वह आगे चलकर दूसरे जन्मों में उसे निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थक को समझना होगा। यहां पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद बहुत देर तक मैंने कोई सवाल नहीं पूछा और वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद महात्मा ने उस नौजवान युवक से पूछा कि क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले, और मिले तो तुम्हें क्या जवाब मिले, सभी को बताओ। उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूं कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है, और अगर हम इसी चक्कर में फंसे रह जाएंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे। इसके साथ साथ चलते हुए ही हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन गुरुदेव, मेरे मन में अब भी एक सवाल बाकी है जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूं, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है? महात्मा ने कहा कि ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी है, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनी है। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थित के साथ, पूरे एकाग्र भाव से अपने आप को पूरा इकट्ठा करके कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, अपना काम करते करते वर्तमान में रहने के लिए। मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूं जिसके जरिए तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, ना कि कौन से कोने से टकरा रही है। सिर्फ तुम उसके साक्षी भर हो जाओ, सिर्फ उसको देखते रहो। तुम कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, फिर खाना खा रहे हो, सिर्फ अपने सांस पर ध्यान लगाओ। और यह करते वक्त तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विचार तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से होश आएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, और तुम्हारा ध्यान फिर से सांस पर अपने आप आ जाएगा। और धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो तुम पाओगे कि विचार विलन होने लगे हैं। तुम्हारे अंदर बस एक खाली मैदान बचा हुआ है, सारे सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। इसके बाद महात्मा ने कहा कि सांसें जो होती हैं वह वर्तमान में चलती है, ना ही वह भविष्य में चलती है, ना ही अतीत में चलती है, वो वर्तमान होता है, वही वर्तमान स्थिति होती है। और जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिन पर तुम ध्यान लगा रहे हो
वो वर्तमान में चल रही होती है। इसके बाद धीरे धीरे हर कदम पर तुम्हें ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा। फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा पूरा मन लगा होगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहां पर तुम हो। यहीं से अभी से अपनी सांसों को पकड़ना शुरू कर दो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।